क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? कौन था यू? मुझे क्या पता? क्या चल रहा है यू? क्या इशारा कर रहे हैं लोग तुझे? मुझे क्या पता कौन था, मैं तो जानती भी ना। पक्का झूठ बोल रही है? नु कह रही है मैं जानती ना, तेरे गांव के आदमी है तू ही ना जानती। सच सच बता क्या चल रहा? कुछ ना चल रहा, तुम चुपचाप घर चलो। ना घर जाएंगे बाद में, पहले सही सही बता इशारा क्यों कर रहे हैं लोग तुझे? मुझे ना पता। अच्छा बता नहीं रही, चल घर चल के बताओगी। देखो सबको आज कैसी छोरी बांध दी मेरे पीछे। क्यों रे? कहाँ है सब, बाहर निकलो। आवाज ऊंची मत करो। अपने घर में आकर शेर बन रही है चंदू, ना डरता किसी के बाप से। के बात पाहुने, कैसे धुम्मा उठा रहा? कुछ ना पिताजी, ये तो नहीं गुस्से फुके रहे मैं। हाँ मैं तो कोई हुक्का हूँ जो फुका रहूंगा। जिज्जा क्या बात हो गई? पहले तो नु बताओ कैसी छोरी बांध दी है मेरे पीछे, लोग इसे इशारे करे। ओहो अब समझ में आया कैसे चट मंगनी और पट ब्याह करा था, रातों रात रिश्ता हो गया था जी। लोगों ने इतनी भांजी मारी, मैं भी तो कहूँ रिश्ता कैसे नहीं टूटा, ऐसी छोरी दी है मुझे। पामने कुछ ज्यादा ना बोल रहा तू? हाँ मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, और तुमने तो ज्यादा कर दिया मेरे साथ, अब मैं ज्यादा बोल लूंगी ना। अजिजन यू बता कौन सा इशारा किसने कला? मैं क्या जानू उस आलो को, इससे पूछ ले अपनी बहन तक कौन कौन इशारा कर रहा है इसे। चंचल बेटा बता कौन था? पिताजी मुझे ना पता किसने करा मुझे इशारा। हाँ अब क्यों बताओगी, कभी राज खुल जा तेरे, गांव में बढ़तो ही कोई आया है, कोई आया है। बस कैसी छोरी बांध दी मेरे पीछे, पहले तो मैं जाकर सालो से बिचौलिया को देखो उसको ही गोड्डे तोड़ूंगा। अजी हमें तो यकीन आता नहीं। जिज्जा मैं ना मान सकता, मेरी बहन तो बहुत शुद्धी है। रे पाहुने क्यों खामोखा के कच्चे दूध में जावन ला रहा तू? कच्चे दूध में जावन बता रहे हो? बावला मान रहे हो मुझे, झूठ बोल रहा हूँ मैं? चलो मेरे साथ मैं दिखाऊं तुम्हें। हाँ चल दिखा हम देखेंगे। हाँ तुम यकीन ना रहा, अभी दिखाऊंगा, चल बैठ पीछे को। रिज्जा क्यों हो रहे? साले तेरी तो सगी बहन है, तू भी सारे कर रहा। रिज्जा मैं तो लाइट को कह रहा था। क्यों हो रहे भाई यार? अच्छा वे तो सब लाइट का इशारा कर रहे थे। अब मैं बताऊंगी तुम्हें। के बात है पाहुने, कैसे चुपचाप बैठा? दामाद जी क्यों नाराज हो रहे हो? तुम यहाँ पर आकर फालतू का ड्रामा मत करो। जीजा अब तो जो होना था हो लिया, अब क्या करें यो बता। अरे पाहुने कुछ ताली ऐसी लगी, अब बात पक्की करनी पड़ी। अरे तो पहले मेरे से एक बार सलाह मशवरा तो कर लेते। बात ही कुछ ऐसी, सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया। चंचल तुझे तो पता होगा। वाह बहुत बढ़िया, मतलब मैं तो थारा कोसे का कुछ है ही नहीं, मुझे तो अपना मानते ही नहीं तुम। जिज्जा ऐसी कोई बात ना है। अबे तू तो चुप ही रह, चुपचाप रिश्ता करा लिया, जिज्जा को पूछा ही ना, वो भी सगे जिज्जा को। अबे मैं कौन सा भांजी मार देता तेरे रिश्ते में। जिज्जा जो रिश्ता तो जल्दी जल्दी हो गया, ठीक है अब तुझे हर काम में हम आगे रखेंगे। क्यों जी बोबो? क्यों मम्मी? क्यों पापा? सुन मैं पिल्ला सिंह, जैसे मेरे बिना रिश्ता कर लिया है ना, ऐसे मेरे बिना ब्याह भी कर लियो, मैं तो थारे यहाँ आने का नहीं हूँ। और हाँ इसे थारी बहन को जरूर भेज दूंगा, इसे पता था ना रिश्ते का, 2 महीने पहले छोड़ के जाऊंगा। तुम क्यों नहीं आओगे? जहाँ चंदू की इज्जत नहीं होती वहाँ चंदू नहीं जाता, चल घर चल। मैं ना जा रही अभी। तुझे जितने दिन रुकना रुक, मैं तो जाऊंगा। पाहुने सुन तो सही, बैठ बैठ तो सही, अब से हर काम में तुझे आगे रखने, बैठ जा बेटे बैठ जा। पिताजी तुम इतना प्यार से कह रहे हो तो मैं रुक रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें अभी कोई से को भी मेरी नाराजगी का पता नहीं है। अब पाहुने को चाय पानी पूछने का रिवाज भी बंद कर दिया क्या तुमने? तुम सब बैठो मैं अभी बना के लाई। जीजा जेब में हाथ डालने ना ठंड लग जाएगी। चल
तू भी डालू पी ले। ओ जीजा सबर सबर धीरे धीरे जीजा चल जेब में जहर निकाल ले। इल्ला सिंह। हाँ जीजा। तेरे घेर में बैठ के और ठंड में रम पीने का मजा ही हो। हाँ जीजा तेरा पैक बनाने का तरीका भी वे मिसाल है। बाबा। इल्ला सिंह। हाँ जीजा। आज जो तुमने मेरी साथ करा ना ठीक नहीं करा, मेरा दिल दुखा दिया, एक पल में पराया कर दिया तुमने मुझे। बाबा। देख जीजा जो करा ना वो मुनीपिन वाले मुझसे ना करा, उसने ऐसा इच्छा बताया कि जल्दबाजी में उन्होंने हाँ कर दी। मैं 2 मिनट लगे हैं फोन करने में, तुम मुझे एक फोन तो मार देते, मैं तो 10 मिनट में आ लेता। पर नहीं, तुम मुझे कहाँ फोन करोगे, मुझे तो तुम अपना मानते ही ना हो। मैं नहीं रुकता, मैं तो जाऊंगा। जीजा तुम मुझे माफ कर दे और तू बैठ जा। ना मैं नहीं बैठता। ना ना बैठ जा जीजा, जीजा बैठ जा, मेरी बात सुन ले। मैं नहीं बैठता, मैं तो जाऊंगा। जीजा बैठ जा। जा रहा मैं, छोड़ दे। जीजा मैं हाथ जोड़ू, तू बैठ जा। अब क्या हो गया, क्यों हाथ जोड़वा रहे बेचारे से? मैं नहीं बात करता तेरे से। मामा जीजा जाने को कह लिया। जाने दे इन्हें, जब नाली में पड़े पाएंगे ना इनके कल ठिकाना आ जाएगी। तू क्या सोच रही, चंदू एक ढक्कन सूंघ के गिर जाएगा? चंदू डिलीवर है, डिलीवर। डिलीवर नहीं, ड्राइवर होता है। हाँ वो ही है चंदू। हाँ तो जाओ ना, तुम्हें रोक कौन रहा है? जब भी कहा अरे मामा जिस जगह तो कट लिया चलान। धक्का किसने दिया? ना टिका मैंने ना दिया धक्का, दारू ने दे दिया होगा। लेकिन ले धक्का दे रहा? मैं क्यों देता जिजा धक्का, दारू ने दिया होगा। तन नहीं दिया धक्का, तन नहीं दिया। ना जीजा मैंने ना दिया धक्का, दारू ने दे दिया होगा। तो इन्ने दिया धक्का भी। वैसे तुम पीते नहीं हो, आज इतने क्यों पी ली? अरे बहुने के बात कैसे मरण को हो रहा? तुमने बेइज्जती कर दी मेरी, एक पल में पराया कर दिया। एक बार तो सलाह ले लेते इस पिल्ले का रिश्ता करने से पहले मेरे से, कुछ हुई ना क्या थारा? अरे पाहुने ऐसी कोई बात ना है, गलत समझ रहा तू। इसका रिश्ता हमें ऐसी जगह तक करना पड़ा, तेरा जाना ही मुश्किल था। वहाँ उड़ीसा के है, वहाँ किरायेदार रहे मेरे दोस्त के मकान में। हाँ गलत समझ रहा हूँ, पता क्यों? क्योंकि गलत करा है तुमने। मुझे ऐसा लगा हमने तो एक छोरा गलत देख लिया दिखे। पामने इतना गुस्सा मत हो, तेरे लिए मटर पनीर बनाया आज हमने। हाँ मैं तो थारे मटर पनीर का भुक्का बैठा, मैं तो जाऊंगा अपने घर। जिंजा अब तो जानी दावत भी कर दी, अब तो रुक जा तू। ओ पिल्ले एक रम का पौवा पिया के दावत बता रहा? जिंजा पूरा खम्मा था खम्मा। और तन्ने चकने में क्या खुआया, एक प्याज कतर के रख दी मेरे आगे। बस यो इज्जत करी तन्ने मेरी, और दावत कह रहा इसे। तुम चुपचाप अंदर चल ले हो या नहीं? चल पिल्ला सिंह एक क्वार्टर और लाऊंगे। किरण क्या बात है? झाड़ू लगा ले तू, झाड़ू में की काट रही। यू देख सेंटाग्राम पे पहले भी उन्हें के धुड़िया तार रखा, देख ये लुगाई देखता रही है, ना के भट्टे में चला जा। लेबर नारी भी भट्टे पे वहां के ग्रुमा में। यो बापू भी ऐसा यहीं खड़ी करा है अपनी कुतिया है, आ जा भी यहीं खड़ी रहेगी। माँ नमस्ते। पिताजी नमस्ते। ससुराल से होगा प्यार खत्म? भरगा पेट तेरा,
तीन दिन में अब लौटना हो रहा तेरा, जैसे यो घर तो तेरा है ही नहीं। माँ उसका पिल्ला सिंह का रिश्ता हुआ है, उसमें ही लग रहे थे बस। रिश्ता हो एक दिन का, तीन दिन का थोड़ी होवे है। तोता कल से पैदल है ही, पर इसे तो अकल होनी चाहिए। अब इसका घर यो है वो ना है। क्यों वो घर क्यों ना है इसका? माँ बाप है वे इसके। बैठा ले सिर पर जितनी बैठानी है, पर कल को तू ही रोवेगा। तेरा कौन सा काम रुक रहा है बिना? क्यों घर में काम ना है, ससुराल में पड़ा रहेगा यूं? माँ तो गुस्सा किस बात का कर रही है? तू अपना घर देख के चल, लुगाए के चक्कर में ना अंधा मत होवे। मम्मी जी आप कहना क्या चाहती हैं? क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ? अगर तू इसे अपना घर मानती ना, तो हर चौथे दिन झोला उठा के घर को ना भागती अपने। क्यों ना जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, घर है वो भी मेरा। मम्मा जी नमस्ते। देखा पिताजी, मामा का नाम सुनकर कैसे खुश होगी? अपने घर के तो इसे बहुत प्यारे हैं और इसके घर के इसे डंक मार रहे हैं। चल चंचल बैग उठा ले। राम है। पिताजी आ लिए तुम भट्टे पैसे? हाँ मैं तो आ लिया। ये तो मैं वैसे ही देख रहा था। अच्छा अच्छा चल कोई बात। वो बिसना मिला था, अब वो जा रहा शहर नौकरी करने। अच्छा। अब वो नू कहता ना को भाई हमारे खेत ले लो बटाई पे, और वहाँ हमारे कुएं का इसका पानी भी चला जाएगा। चल ठीक है, तू देख चला लेगा के काम। हाँ क्यों ना चले। तो ले। ठीक है खेत तो तू ले ले, पर तू बता तेरे ससुरे ने तेरे साले का रिश्ता करा कहाँ? भानपुर से करा है, उसके मौसा ने करवाया। इतनी दूर बैठी जाके ताल उसकी? हाँ और क्या, उस पागल का ब्याह धोरे से हो रहा कहीं से? अरे चल रिश्ता तो हो गया। अरे सही हुआ जो हो गया, उस पागल के भी बहू सी आ जाएगी। चली गोरी तो चल। हाँ चलो। बीड़ी बीड़ी लावे गद्दी। ना मैं तो ऐसे ही देख रहा था कैसी है। थारी पाई वो मुझे। अरे तूने कपड़े धो दिए ना? मम्मी जी आज धूप नहीं निकली, आज दोपहर तक तो हम आए थे, मैंने सोचा कल धो दूंगी। पता ना कितनी आलसी है, धूप निकली या ना निकली कपड़े तो सूख ही जाते, पर काम से जान बचानी है, कैसे बचे? मम्मी जी मैं जान कहाँ बचा रही हूँ, बोल तो रही हूँ कल धो दूंगी। कल कैसे धो देगी, कल तो मेहमान आवेंगे, अब तू मेहमानों की आव तवज्जा करेगी या कपड़ों में लगेगी? मम्मी जी आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा, मैं कल सुबह ही कपड़े धो दूंगी। क्या घुट सके सास बहू में, कल दोपहर से कह रही हूँ मैं इससे कपड़े धो दे कपड़े धो दे, पर इसके कानों पर जूं थोड़ी रहेंगे। पर गलती इसकी भी ना, इसकी माँ ने सिखा के भेजी होगी, एक काम को ना सुनिए बिल्कुल भी। हाँ जैसे नानी तुझे सिखा के भेजती होगी। हाँ नास पीटे तू और इसे सर पे बैठा ले, यू तो वैसे ही सुनने को तैयार ना, अब और ना सुने। क्यों मम्मी जी ऐसा कौन सा काम ना करती मैं? मेरे बस की तेर से मत्था मारना ना है, काम करना हो करो ना तो पड़ा रहन दो, अब मैं चली सत्संग सुनने। सुन जा सत्संग में तू यू ही सुने सब दिन लड़ने की बात, चल सुन ले सत्संग सुन रही है बेटा। जब तू इकट्ठे हो चंदू, मजे नहीं लग रहा, घर में कुछ ठीक ठाक चल रहा हो? बस पिताजी पता नहीं क्या चल रहा, बैठे आ जा। क्या ना बेटी बन जाएगी चाय भी, सारे दिन चाय 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 चाय। फिर चाय मिले नहीं के मिला रे बिश्नो? कहाँ मिला, मैं तो उसे खेतों पे भी देख ही आया, पता नहीं कहाँ धक्के खाता फिर है। माँ तू एक काम कर मुझे एक गिलास पानी दे दे। मेर से काको मांगे है अपनी महारानी से मांग ले। हाँ मैं ही दूंगी पानी, तुमसे लेने के पानी अभी जब देखो मुझे इतना नौकता। बड़ा बहू का सगा हो रहा है, झट ले लिया पानी भी। तू ही तो कह रही थी अपनी रानी से मांग, अब पानी पी रहा हूँ तो पीने भी ना दे रही। ठीक है बेटा ठीक है, अब तेरी जिंदगी माँ की जरूरत ना रही। अरे माँ मैंने तो ब्याह को मनाई करी थी, तू ही मेरे पीछे लगी रहती, अल्लाह अल्लाह ब्याह कर ले, मुझे चिंता लगी रहे तेरा ब्याह हो जाएगा तो मैं गंगा उतर जाऊंगी, अब लगा ले डुबकी। मुझे क्या पता ये लंका ऐसी निकलेगी, ना तो ऐसा रहने का सलीका ना ऐसा काम करने की तमीज, हमने तो पता ना किस घर से रिश्ता जोड़ लिया। तुमसे तो साफ सुथरी रहती हूँ, और रही घर की बात, तुमसे अच्छे घरों की हूँ और कौन सा काम ना करती मैं। देख कैसा उल्टा सीधा बोल रही है मुझे, कैसी जबान मेरे से लड़ा रही है, तेरा तो बोल भी ना निकलता इसके सामने। बोल तो तू बतेरा काटरी,
बिना मतलब की रेड जुड़वान लग रही। मैं यूं कह रही हूँ चुपचाप बैठे रहो, अगर यहाँ बैठना है ना तो चुपचाप भट्टे पे चले जाओ उठ के। माँ तो क्यों झगड़ा बढ़ा रही है, इस चीज में हमारे घर का ही नाश होगा। अब छोटी मोटी बातों को लेकर मन मुटाव करना ठीक बात नहीं है। वाह बेटे, घर का नाश मैं कर रही हूँ, घर का नाश मैं ना कर रही, घर का नाश कर रही है यू। कीड़े पड़ोस बिचौलिया के चाहे उल्टे पैर की मेरे घर में बाड़ दी, पता ना किस खानदान की है। मेरे क्यों तुंडे पैर उल्टे पैर होंगे तुम्हारे, और ऐसा है मेरे खानदान के बारे में बोलने की जरूरत ना है, समझ में आ गई, बता रही हूँ तुम्हें। चंचल बस तू अंदर जा। मैं अंदर चली जाऊंगी, अपनी माँ को चुप कर लो नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं अपने घर वालों को छोड़ गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। देख रहा कितनी लंबी जुबान है इसकी, तन्ने ही बांधी है मेरे पीछे। और तू ही कौन सी कम है, तू ही कहाँ चुप रहे। तुम दोनों के झगड़े के चक्कर में मेरा घर टूटने लग रहा और मेरा दिमाग और खराब रहने लगा। अरे है क्या गौरव की माँ? हाँ आज है चंदू की माँ, आज कैसा आना हुआ, बैठ जाओ। ए बोबो के बताऊं, अब अपने घर में जीना लगता, अब अपना घर अपना सना लगता। क्यों बोबो ऐसा क्या हो गया? होता क्या, उस लंका ने मेरा बेटा अपने बस में कर रखा, अपनी औलाद अपनी न रही। ये चंदू तो ऐसा ना था। के बताऊं मेरी ना सुनता एक भी, उसी के इशारों पर चले। देख मुझे तो ऐसा लगे बब्बो तेरे चंदू को कुछ करवा दिया, नहीं तेरा चंदू तो ऐसा ना था। तो सही कह रही है बब्बो, मुझे भी ऐसी लगे। चंदू अपनी ससुराल गया बहू को लेकर और रात वहीं रुका, मुझे लगा उसकी सास ने कुछ करवा दिया। बस उसी रात कुछ करा, कुछ जरूर कुछ खाने में दिया उसे चंदू। ए बब्बो यू बता मैं क्या करूँ अब? तू जा लाठी वाले बाबा के दौरे, अब उसे वही ठीक करेगा। ठीक है बब्बो मैं जरूर जाऊंगी। चंदू जी तड़का ओम प्रकाश की दुकान पे खाद के कट्टे ठा लिए। ले आऊंगा, पैसे जा रहे ना उसके? पैसे दीजिए। पैसे दे आऊंगा चल। अरे उन्होंने तो एक का खवाया हा? किन्होंने? वही जहाँ से तू तीन दिन में लौट आया अपनी ससुराल से। क्यों क्या होया? उन्होंने ना तुझे खाने में जरूर कुछ खवाया। मतलब? तेरे ऊपर उन्होंने जादू टोना करवा दिया। माँ तो कुछ पागल तो ना है, कौन भर रहा तेरे मन में ऐसी ऐसी बात? तू कद से लगी स्टोने टोटके में विश्वास करन? नहीं इसे कुछ ना कुछ तो उन्होंने खवाया है, जब से इसका दिमाग बदलगा। सब कुछ मुझे लगा तेरा ही दिमाग हिल गया दिखे। ये जरूर उस त्रिया के काम है। किरण एक बात बता रहा था, अपनी ये जुबान और ये दिमाग ठीक कर ले तो इसका घर बर्बाद कर देगी, ये बात बता रही है। मैं अपने लाठी वाले बाबा पे जाऊंगी, उन्हों से ही दिखवाऊंगी इसे, अगर इसे कुछ करवाया होगा कीड़े पड़ेंगे उसके। अरे मैं कुछ ना करा, तू क्यों बावली हो रही है? बावला तो ना मैं कर दूंगी अगर तुझे कुछ होगा। तेरी माँ का हो गया दिमाग फैल, पता ना कौन से कुत्ते ने खा रखी है, दिन पे दिन जहरीली होती जान लग रही। ए भाई पिल्ला सिंह अब तो खुश है, तो अब तो तू भी बहू वाला हो लिया। क्या जीजा मैं तो पहले भी खुश था। नहीं बेटे पहले तो तू खुश नहीं था, मैंने तो सुना है तू ब्याह के मारे बहुत लड़ा घर वालों से, और तूने टूने टोटके भी करे ब्याह के। ना ना जीजा ऐसी कोई बात ना। चल पिल्ला सिंह तेरे फेरे फिर गए, इब तू मौज ले। हाँ मौसा मौज तो आए गई। हाँ और बताओ मुंशी जी अब क्या सेवा करी जा थारी? बस सेवा में कोई विषय नहीं छोड़ दिया, बस इब तो हम चल रहे। अरे चले जी यो मुंशी जी। ना जी अब हमें चलन दो, हमारी भैंस दूध न देने की इनके बिना। तो समझन मन नो नहीं ले जाए बिना। मैं एक बात बताऊं, मैं तो जाऊं और तू जरा अकेले। अरे मुंशी जी कैसी बात करे, मैं तो एक ही दुखी हूँ। अरे मैं भी दुखी हूँ। देख लो अभी तक तो अपने घर से आई ना, एक हफ्ता हो लिया, भैया के ब्याह को जमाना बीत लिया, और ऐसी बावला हमारा छोरा जो सुबह का गया हुआ शाम कर ली। और तो ना कहना कुछ, आ जागा चिंता ना करे। तुम चिंता की बात कर रहे हो, यहाँ तक छोरा हमारे हाथ से निकला जा रहा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बहम है तुझे बहम, चंदू इतना बेवकूफ है कि जितना तुम अंदरी। उस लंका ने तो अपने चंगू में फंसा रखा है वो। बत्तीरे तो जीतना मारे तो बस की है नहीं। ओहो आ गई महारानी, आ जाओ आरती तालू तुम्हारी। माँ तो क्यों जुम्मे हो ही रहे? तू तो हो लिया अंधा और तेरी आंख इसने फोड़ी है, इसे इस घर की तो चिंता है ना, बस अपने घर की चिंता है इसे। चिंता क्यों ना, क्यों घर है मेरा, अगर अपना मानती ना इस घर को तब महीनों महीनों अपने पिहर में ना पड़ी रहती तू।
मम्मी जी एक ही भाई है मेरा, उसकी शादी थी। और किस महीने की बात कर रही हो तुम? एक हफ्ते में वापस आ गई हूँ मैं। देख रहा है इसकी कितनी जबान चल रही है, जैसे इसकी माँ की जबान चले ना ऐसी पढ़ा के भेजिए। ऐसा क्यों बोलो तुम मेरी माँ के बारे में? वो तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। हाँ हाँ बहुत इज्जत करे है, जब तक पुरानी साड़ी मारी मेरे माथे में। जैसा उनका हिसाब था वैसा उन्होंने कर दिया। और तुमने क्या दे दिया मेरी भाभी को? वो 10 साल पुरानी साड़ी दी है जो तुम्हारे घर से आई थी। हाँ हाँ तू कुछ मत बोले जोरों के गुलाम। सुन लो मुझे न रहना भी घर के अंदर, तुम शहर में नौकरी करोगे और वहीं पर कमर लोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, कम पैसे मिलेंगे मैं गुजारा कर लूंगी, पर अब मैं घर के अंदर रहूंगी नहीं, समझ में आया? चंचल मेरी बात तो सुन। पटकी चढ़ा घर का नाश होने लग रहा है नाश, और तू लग रही करवान, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कुछ भी। चलो मैं अभी छाती पे धर के ले जाइए। चंचल तुम शहर में रहोगे बस, मैंने बोल दिया सो बोल दिया। तो ये इतनी खेती है इसे कौन करेगा, कौन इस घर में रहेगा? तुम्हारी माँ रहेगी यहाँ, वो है तो, हम तो उसे बुरे लग रहे हैं यहाँ पे। ऐसी कोई बात नहीं है चंचल। ऐसी ही बात है, जिस दिन से इस घर में आई हूँ उस दिन तुम्हारी माँ एक मौका नहीं छोड़ती मुझे और मेरे घर वालों को ताना मारने का। माँ परेशान है चंचल आजकल, उसके दिमाग में उल्टे उल्टे ख्याल आते हैं। तू माँ की बात इधर से सुनकर इधर को निकाल दिया करना। पहले दहेज का ताना मारती थी और अब मेरे घर वालों को बोलती है, मेरी माँ को बोलती है। चंचल चुप हो जा, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम बाहर नौकरी करोगे और मेरे साथ रहोगे बस। देख मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता, पिताजी की इतनी उम्र ना बच रही है कि उनसे खेती हो जाओ। तुम मुझे अपना अलग चूल्हा चाहिए उस बुढ़िया से। चंचल ये मेरे माँ बाप है, इकलौती औलाद हूँ मैं इनकी, तू ही बता मैं कैसे अलग हो जाऊं? तो क्या मैं सारी उम्र ताने सुनती रहूं? चंचल मैं माँ से बात करूंगा, तू चिंता मत करे। अगर इस बार उन्होंने कुछ कहा ना तो मैं बिल्कुल नहीं सहूंगी। चंदो यहाँ कुछ सुने तनक? सत्ते के 13 से 2 महीना पीछे बिया हुआ और अब उसका दूसरा बालक हो लिया। माँ तुझे पता तो है चंचल रेलवे की तैयारी कर रही है, रात रात भर बैठ के पढ़ाई करे, अगले महीने उसका एग्जाम है, एक बार उसका एग्जाम हो जाए मुझे पूरा यकीन है उसका नंबर जरूर आ जाएगा, उसके एग्जाम के बाद ही हम किसी बालक नन्हे की सोचेंगे। यू तेरा पागल बना रही है, कोचिंग के बहाने घर से घूमने के लिए चली जा, पता ना कहाँ कहाँ घूमती रहे, और जिस दिन इसकी नौकरी लग जाएगी ना तुझे पूछे भी ना आयु, और सारे दिन फोन पे बात करती रहे, पता ना किस किस से हंस हंस के बात करती रहे। माँ बहू है तेरे घर की, कुछ तो शर्म कर ले। लाला तुझे अभी अकल ना आने की है, जिस दिन तेरे मुँह पे कालस पुज जाएगी ना उस दिन अकल आ जाएगी तुझे। क्यों तुम्हारे भाई की लड़की तो बाहर पढ़ती है, उसे तुम्हारे भाई के मुँह पे काली पुतवा दी क्या? चंचल तुम मुझ पर गुस्सा मत करो, ये तो मेरे बारे में इतना गलत बोल रही है और तुम चुपचाप सुन रहे हो। चंचल ये मेरी माँ है, तमीज से बात कर थोड़ा। अच्छा ये तुम्हारी माँ है तो मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, जब तुम इनके बारे में नहीं सुन सकते तो मेरे बारे में कैसे सुन रहे हो? या मैं तुम्हारे कुछ लगती ही नहीं? तू अंदर जा यहाँ से। हाँ हाँ भेज दे इसे अंदर को, आज तक तेरी माँ को बोल रही है और कल को नहीं हमें पिटेगी। मैं अपने मन से न कह रही, मुझे मजबूरी क्या है तूने? चंचल तू तड़ाक पे मत आ। ऐसा है अब होगा फैसला। कर दिया ना घर का नाश्ता, जी तो ऐसा करे तेरी घंटी बोचती हो। हाँ सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, तुम तो सब अंधे हो रहे हो, उसकी कमी ना देखती किसी को। माँ की कमी है चंचल में, तुझे भी बस उससे लड़ने के बहाने चाहिए, पढ़ रही है अभी चंचल, कुछ करके बालक हो गया तो क्या मैं भी बालक कर लूँ? अरे राड मरती हो तो मार ले, कर ले बालक। पिताजी बालक राड की जड़ नहीं है, माँ को तो लड़ने के बहाने चाहिए, बस पढ़ रही है अभी वो, मैं बिल्कुल भी बालक नहीं करूँगा। हाँ जिसे तू पढ़ा रहा ना वो तेरा फायदा उठा रही है, रोवेगा तू मुंड पकड़ के। माँ बस कुछ नहीं, पूरे को लखा एक छोरा है हमारा एक, और यू कहीं चले अगर कुछ कर लिया ना फिर लड़िए किसकी क्या लड़ेगी, ना सो जाएगा घर का। समझ में नहीं आ रही एक बात।
चंचल ये क्या कर रही हो तुम? मैंने अपने घर पे फोन कर दिया है, मेरे पापा और मेरे भाई सुबह टाइम दोनों आ जाएंगे मुझे लेने के लिए। और मेरा क्या होगा? मुझे कोई मतलब नहीं है। चंचल मेरी बात तो समझ। बस करो, रहो अपनी माँ के साथ, वहां तो मुझे चुप कर रहे थे ना। चंचल ये रो के दिखाना अपनी माँ को, तुमसे कितनी बार बोला है कि बाहर रह के नौकरी कर लो सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं, तुम्हें तो ना बुड्ढे बुढ़ियों के पास रहना है, उनकी गोद में ही सोना है, तो जाओ रहो उनके पास ही। चंचल एक बार मेरी बात तो। बस चुप, बिल्कुल चुप, जो भी बोलना है ना सुबह मेरे पापा से बोलना, आया समझ? और यहाँ लेटना है चुपचाप लेटो, वरना बाहर जाकर लेटो। बलराम जी घर में मन मुटाव तो हो जाग रहा है, पर ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से जाना पड़ रहा है। पिताजी मन मुटाव वाली बात है, ये चाहती नहीं कि मैं इस घर में रहूं, अगर चाहती ना तो मेरे चरित्र पे उंगलियां उठाती। पिताजी तुम एक बात बताओ, मैंने इसकी कौन सी बात बर्दाश्त ना करी, कौन सी बात ना सही, इनने मेरे चरित्र पे उठा के ना अच्छा ना करा, मुझे तो अपने घर जाना। चंचल बड़े बात कर रहे है ना, बात मेरी हो रही है, सहती मैं हूँ, तुम्हारे पिताजी की ना तुम्हारी माँ का जुबान नहीं निकलती, अब क्यों बोल रहे हैं ये, जब तुम्हारी माँ मुझे बोल रही थी, जब तो नहीं बोलते, जब तो चुपचाप खड़े थे ये। देख रहे हो अपनी छोरी को कितनी जबान चल रही है इसकी। माँ तो चुप रहे, आज से पहले क्यों ना देखी मेरी किसी ने जुबान, और मेरी जुबान इसने निकल ली क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया, जुबान मेरी ना, जुबान तो अपनी देख। मेघराज जी तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि थारे घर में चल के रहा, और तुमने इस मामले को एक बार भी सुलझाने की कोशिश नहीं करी। बलराम जी ये जो भी कुछ हुआ वो गलतफहमी की वजह से हुआ, और इसे हम सारे को अपने घर में बैठ के आराम से सुलझाना। मोचा जी अगर आराम से बैठ कर सुलझानी होती ना तो तुम ना जाने कब के सुलझा लेते। पिताजी तुम बैठे क्यों, चलो यहाँ से, जब इन्हें मेरी कदर ही नहीं है तो यहाँ किस बात का रुकना। चल बेटी तू चिंता ही ना करे, इनकी तो अकल ठिकाने ला दूंगा मैं, चले हो खड़ा। चंचल ऐसे मत जा, सब ठीक हो जाएगा, ये बस बुरा वक्त है और कुछ नहीं, अगले महीने तेरा एग्जाम भी है। बुरा वक्त तो तुमने अभी देखा ही नहीं है, बुरा वक्त तो तुम अब देखोगे। चंचल इस सब में मेरी क्या गलती है, एक बार मेरे बारे में तो सोच लेती, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। सब रह लेगा, और अपनी माता बूझिए इस बात को, मुझे तो अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है, आंख बंद करके विश्वास करूं मैं इस पे। चल बेटी पकड़ वाला सामान लिया। चल बहना। खा गिना अपने बालक का घर। एक महीना हो गया आई ने, जल्दी जल्दी हाथ चला ले, तेरे हाथ ही ना चल रहे काम में। माँ मेरे सुबह चोट लग गई थी हाथ में। मुझे मत बता ये सब काम ना करने के बहाने हैं। माँ मेरे भैंस बांधते हुए चैन लग गई थी। बस बस ज्यादा नाटक मत दिखा, ये नाटक दिखाइए अपनी माँ को। आगी बेटी उन कमीनों ने ज्यादा परेशान तो ना करा, मार पिटाई तो ना करी तेरे साथ। माँ हाथ लगा सका कोई, ऐसी मार खाने वाली ना हूँ मैं। और क्या, हम अपनी बेटी को पिटवा थोड़ी लेंगे, अगर मार भी देती उस बुढ़िया की चुटिया फाड़ देती, और जो मेरा हाथ लग जाना हो बुढ़िया मैं तो उसकी चोटी पाड़ के हाथ में दे दूं। जैसे दूसरी की बेटी के साथ करेगी ना वैसे अपने खुद की बेटी के साथ हो रहा है। भाभी कैसी हो तुम? ठीक हो दीदी? ठीक क्या, एक नंबर की काम चोर है असली। हाँ जी तुमने कुछ बोला उन्हें या चुपचाप ही चली आए? अरे तुम मुझे हल्के में ले रही के, मैंने तो पूरी खिंचाई करी उनकी, और मुंशी जी तो मेरे आगे हाथ पांव जोड़े था, और वो पाहुना भी मिन्नत कर रहा था, पर हमने अपनी बेटी को छोड़ा ही ना वहाँ। हाँ जी फोन पर रो रही थी मेरी बेटी, अगर आप माँ छोड़ी आते ना इसे तो मैं तुम्हें ना छोड़ती, उन सब की रिपोर्ट करवाऊंगी, मेरी फूल सी बेटी को दुखी कर रखा उन्होंने। पुष्पा ये चाय ना बनी अब तक? जाओ
यह छोरी कितनी देर होगी आ रही, अब तक चाय ना बनी तेरे पे? माँ दूध खत्म हो रही है। दूध कहाँ तक खत्म हो गया? तड़की 2 किलो दूध लिया था, पीगी होगी तू सारा? तेरी माँ ने यही शिक्षा दी तो जाए, अख मेहमान आवा उनकी तो इज्जत ना करे। यह छोरी 2 घंटे हो गई आई बैठी, दूध खत्म हो गया, पीगी सारा सहर गी तू, हो जाएगी पीपी का सांडनी। ये बताऊं बेटी, इसकी माँ ने ऐसी शिक्षा दे रखी, रोटी बनाते बनाते तो यार वही खा ले, झूठ खिंडाए जा सब कहे मैं, इसे ना कहीं की भी अकल। इनने तो हमारा बिल्कुल जन्म दुखी कर रखा, पता नहीं कहाँ तक पल्ला पड़ गई इतनी। जब भूख लगेगी जब तो मैं खा लूंगी ना, उसमें क्या गलती कर दिया मैंने? गलती कर दिया बता रही, इसकी तो भाषा भी समझ में ना आती। माँ भाषा को कुछ मत कह दिए। कहूंगी नहीं कहूंगी। निज झियो को निज झियो खान भतबो नहीं खुआइबो ठीक अछि? मते कहबे किछ दरकार नहीं, बुझी पालु तो था नले नहीं जाउ छी मु। पुष्पा झुकीबो नहीं छोड़ा। मम मुझे ना कहगी कुछ भी, तू जरूर कहगी। फोन उठा चंचल। काट दिया? अरे उठा फोन। हेलो। हेलो चंचल। बोलो क्या बात करनी है? तू घर वापिस आ जा। क्यों आऊं मैं वापिस? रोज तुम्हारी माता के जूते खाने के लिए? अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बात तुमने पहले भी कई बार बोली है, पर क्या हुआ तुम कुछ नहीं कर पाए ना, और मैं उस घर में नहीं रह सकती, मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। जिस घर में मेरे चरित्र पर उंगली उठाई जाए मैं उस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। चंचल मेरी बात तो सुन एक बार। नहीं सुनना यार कुछ भी, बस तलाक चाहिए। फोन काट दिया? क्या बात है, क्यों दुखी हो रहा? एक बात बताऊं, रोवे ना बिल्कुल भी ना, कमजोर पड़ जाएगा। मैं एक बात बताऊं, उसके घरू जा, उसे समझा, वह सिमन जाएगी, बहुत समझदार है, ठीक है? अरे बहू है तेरी, वह मानेगी क्यों ना, जाके मनाने की डाल बात कर तू उससे। पिताजी कुछ ऐसा काम कर उसका दिल जीत ले, विश्वास दे उसे, विश्वास, मानेगी क्यों नहीं, मान जाएगी, लड़की है वह। क्या बात है पिताजी, बड़ा ज्ञान ले रहे हो लड़कियों के बारे में। ज्ञान इसमें स्नातक कर रखा, तेरी माँ भी नहीं भाग्यग्रह थी, इवरेरी ने डंग था। सोचे ना उसे लिया, एक हफ्ता उलिया से गई कु, पेपर है उसके, किताब यहीं दरी, वाके कर रही मासिक, जर लेके आओ उसे। ठीक है पिताजी, लड़के ही जाऊंगा उसे लेने। क्यों आए? माँ से लड़के आया हूँ। फिर यहाँ पे क्यों आए हो? क्यों, यू मेरा घर ना है? नहीं ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर वो है, वहाँ पर जाओ। मैं तो माँ से लड़के आया हूँ, मैं तो यहीं रहूंगा। तो वहीं रहो अपनी माँ के पास। क्यों, तू ना रही इतने दिन मेरे माँ के पास, अब मैं तेरी माँ के पास रहूंगा? मम्मी जी नमस्ते।
जैसा आया ना वैसे ही उल्टा लौट जा। और यहाँ ना अब की बार आओगा तो बिचौलिया को और रिश्तेदारों को लेकर आइए, ना तो फटकना चाहिए। क्यों मम्मी जी, रिश्तेदार और बिचौलिया क्यों? इतना नादान ना बन, ठीक है? तेरे घर वालों की और तेरी रिपोर्ट करूंगी ना, और जो मैंने अभी थारे गिरवा के थाने में फट्टे ना लगवा दिए तो मेरा नाम लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी। और हाँ, हम ना भेजे अपनी छोरी को और फैसला करेंगे। जाऊंगा तो अपनी को लेके ही, तू कर ले तेरे पे जो होता हो। कैसे फट्टे की बात सुन के हो सुट गए? मम्मी जी चल हट, मेरे पैर छोड़, मुझे बस यहीं रहने दो। मम्मी जी पाहुने यूं क्या चल रहा, नीचे क्यों पड़ा खाट पे बैठे ने? पापा जी नमस्ते। नमस्ते पापा जी, मैं अभी इस घर में ही रहूंगा। क्यों, यहाँ क्यों रहेगा? क्यों, यू मेरा घर ना? ना, तुम अपने घर रहो। क्यों, तुम्हारे घर ना रही, अब मैं यहाँ रहूंगा? अरे पाहुने पहले तू बैठ ले, फिर करेंगे बातचीत। जाना ली चाय बना ला। ठीक है। चाय तो पी ले, पर चाय पीकर लंबा पड़ लिए, यो जमाई ना है, जम है जम। अरे तू जाया था, जम बता रही दामाद को। देख पाहुने, अब तू ही बता, कौन चाहे कि उसकी छोरी दुखी रहे या उसका घर टूटे? जब पानी सिर से ऊपर चला गया ना, जब लाए हम अपनी छोरी को। और पाहुने, यहाँ तो जन मेरा ही गुजारा कैसे कैसे हो रहा, मैं ही दुखी कर रखे हूँ इन्होंने। पिताजी तुम ही बताओ, इस घर की छोटी मोटी खटपट के चक्कर में मैं अपना घर बिगाड़ लूं? पिताजी कोशिश करने से ही तो रिश्ते सुधर सकते हैं, वरना बिगड़े तो पड़े ही हैं। अरे पाहुने बात तो तेरी सही है, पर पिताजी बस अपने इस पर को यहीं रोक लो, इस पर के चक्कर में मेरा घर टूट जाएगा। पिताजी मुझे बस एक मौका चाहिए मेरी चंचल को मनाने, मुझे यहाँ रहने दो। जीजा मैंने तो पहला ऐसा मदारी देखा जिसने बंदरियों ने नचा रखा। साले तमीज में बोल, जरा मजबूरी है, नहीं तो यही गेर कैसी खुराक देता ना, होश ठिकाने लगा देता। देख जीजा गलती तो थारी है बेटा, ताली एक हाथ से नहीं बजती। चल छोड़ जीजा, बता बिस्की लेगा ये लम? ओ भैया पीने की तो रहने ही दे, वैसे माहौल ठीक ना चल रहा आजकल। चल जीजा छोड़, अब तेली मलजी ना आना तो तू लैंडे, अब तू एक काम चल खेत तुम्हारे को चल है और नियाल कटवा के ला, वैसे भी अब तू है ही लेगा ना। साले काट तेरी नियाल अभी। चल जीजा मत जा, मैं तो नू कह लिया था कि खेतों पर जाता तो तेरा दिमाग ठंडा हो जाता। अच्छा ये आज बब्बू चंदू की माँ। ए बब्बू आई तो हूँ पर हाल बुराई है। ए अब क्या बात होगी? उसने मेरे घर का ऐसा नाश करा, बस दिन रात रोना ही रोना। चंदू तो गया दिखे वो को लेने? चंदू को गए 3 दिन हो गए, ना तो फोन उठा रहा और ना लौट का फोन कर रहा। ए बब्बो तेने ही तो करा पागलपन, तेने फिर अपना छोरा वहाँ भेज दिया। ए बब्बो जबरदस्ती गया, लुगाई का तो पूरा हेरवा मान रहा, पूरा दीवाना हो रहा गुलाम। अब जरूर वे कुछ करवा देंगे चंदू का। अब तू ही बता के करूँ? अब बहू का कोई फोटो है चंदू के साथ को? हाँ है। कान करो रे को। ठीक है बब्बो, तू इस वीडियो को बस 7 दिन कर दे, फिर तेरा छोरा उसकी तरफ को देखे भी ना, चाहे तू फिर अपने छोरे का दूसरा ब्याह कर लिए। मम्मी आज खाने में ज्यादा मिर्ची ना थी? हाँ आन दे आज तेरे बाप को, उनसे कहूंगी सारे खेत में मिर्ची लगवा देंगे। हाँ मम्मी, जब से ये लंका आई है ना सब्जी में इतनी मिर्ची गिर रहा है, इस हिसाब से तो हम कंगले हो जाएंगे। मम्मी जी इतनी तो मिर्ची मैंने डाली नहीं थी। चंचल तू ही बता मिर्ची तेज थी कि ना? हाँ भाभी आज वाकई में बहुत तेज मिर्ची थी। हाँ हम तो झूठ बोल रहे हैं, इसने ना गेरी मिर्च, इसकी माँ गेरगी होगी आके। चंचल मेरा तो मुंह जल रहा, मैं तो जाके चिन्नी खा का हूं। देख चंचल तू जिस सब की वजह से उस घर को छोड़ के यहाँ आई है ना, वही सब इस घर में भी हो रहा है। पिताजी तीज त्योहार ना घर में कोई कालज, जीजा और चंचल को नो ना अब घने दिन हो लिए, गांव में मजाक सी उड़न लग रही है। कह तो तू ठीक रहा,
महाराज चंचल को उस घर में भेजने का मन तो बिल्कुल नहीं है, पर के करें, ब्याहदी तो भेजनी पड़ेगी। मैं मुंशी जी से कहूँ वे आवे और इस बात का जरूर हल निकाले। पिताजी झगड़े किस घर में ना होते, बात तो तब है जब कोई झगड़ों से भागे ना है, उन झगड़ों को सुलझावे और अपना परिवार एक बनावे। वह बेटे आज तो बढ़िया कल की बात बता रहा। पिताजी अगर देखा जावे ना तो महल तो अब हमारे घर का भी ऐसा ही है जैसे चंचल के घर का। क्यों भाई? माँ थोड़ा परेशान कर लिया पुष्पा को, छोटी छोटी गलती ढूंढे हैं, पुष्पा को ताना देती लेवे और उसकी गलती निकालती लेवे। बता भाई अब क्या करें यार, तेरी माँ सुनती भी तेनो किसी की? हाँ ठीक वैसे ही जैसे चंचल की छाछू ना सुनती किसी की भी। लिखाड़ेंगे वह लिखाड़ेंगे, इस बात का हल भी जरूर निकालेंगे। वैसे दम है तेरी बात में? और क्या पिताजी, मुझे तो नहीं मानना, बहुत अच्छा हाल हूँ मैं। हाँ पल चलती तो ना पिताजी मेरी इस गल में, मैं तो वैसे ही बोको जाऊं। चंचल एक कप चाय बना दो। अपनी माँ से बोल दो वो बना के दे जाएगी। तू मेरी घरवाली है तू ही बना के दे दे। मुझे इतना टाइम नहीं है। चंचल सच में तेरे पास टाइम नहीं है, तेरे पास बस एक महीना है। तू खुद सोच, जिस पेपर की तैयारी तू 1.5 साल से कर रही थी वो इतना नजदीक आ गया और तू अब सारे को छोड़ के यहाँ बैठी है, तेरी पूरी तपस्या बेकार हुई जा रही है। तुम्हें क्या लगता है क्या ये सब मैं जानबूझ कर रही हूँ? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जानबूझ के कर रही हो, तू खुद सोच तेरी पढ़ाई का कितना नुकसान होने लग रहा है, तेरा पेपर नजदीक है और तू यहाँ बैठी है। इन छोटे छोटे झगड़ों की वजह से हम अपना घर खराब कर लें, अपनी पूरी मेहनत में मट्टी फेर दें, अच्छा लगेगा? मैंने तुमसे कहा था ना कि हम बाहर रह लेंगे, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तू खुद बता मैं कैसे छोड़ दूं अपना घर, कौन है वहां मेरे सिवा करने वाला, मैं इकलौता लड़का हूं उस घर का। चंदू क्या मैं तुमसे अलग थी क्या? तुम्हारे घर को मैंने अपना घर नहीं माना, पर तुम्हारी माँ ने मुझे हर चीज के लिए ताना मारा। चंचल तू बस घर चल, मैं माँ से बात करके सब ठीक कर दूंगा। हाँ के करो हो पिताजी? आजा पाहुणे आजा आजा बैठ, बैठो आप सिराने बैठो। पिताजी आप घर के बड़े हो, अब आप ही समझाओ चंचल को कुछ। रे पाहुणे मैं के समझाऊं, मेरी सुनाई कौन है? पिताजी अगर ऐसी स्थिति में भी हमारा कोई साथ नहीं देने का तो हम तो दोनों अलग हो जाएंगे। चंचल की मम्मी भी हर बात में तलाक और फैसले की ही बात करे। बात तो तेरी ठीक है। पिताजी चंचल और मैं मिलके इस घर को इतने अच्छे से चला रहे थे, चंचल भी इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रही थी, जो भी मैं पैसा उसकी पढ़ाई में लगा रहा हूँ वो उसे पूरा अदा कर रही थी, अब उसका थोड़े दिनों में पेपर है। हमने बच्चा करने के बारे में भी नहीं सोचा, इसीलिए अब इन छोटे छोटे घर के कलेशों की वजह से ये रिश्ता खराब हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। पिताजी तो चिंता मत ना करे, मैं तेरे पिताजी को बुलवाता हूँ और सब बैठ के बात करेंगे। पिताजी आप बड़े हो, अगर बच्चों में कोई नाराजगी या मनमुटाव है तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। ऐसे छोटे मोटे मसलों की वजह से मैं मेरी बेटी का घर टूटने नहीं दूंगा। और पाहुणे तेरी तो इसमें कुछ गलती भी ना है जिसकी तू सजा भुगत रहा है। देख चंचल तू जिस झगड़े की वजह से हमारा घर छोड़ के इस घर में आई है ना, इस घर में भी यही झगड़ा है। बता होता नहीं है तेरी मम्मी का और तेरी भाभी का झगड़ा? पता इस झगड़े की वजह से हमारी फैमिली पे कितना नुकसान है। तूने 1.5 साल से मेहनत करी अपनी पढ़ाई में और अब उसका पेपर है और अब तू यहाँ। मैं अपनी छोरी ने बिल्कुल ना भेजू। बलराज जो ड्रामा हमारे घर में है वही ड्रामा तेरे घर में। भाई एक बात कह रहा हूँ तुझे, इस बात को हमर तू सिर जा लेंगे, ये बिल्कुल नहीं छोड़ जन देने की सर। इसे ले जाके अपने घर में मैं अपनी बेइज्जती ना करवाऊं। तुझे नहीं ना पता तेरी बेइज्जती कहीं में हो रही, तू आप करवा रही अपनी बेइज्जती, समझती ना? देख रही ड्रामा, इसमें घनी इज्जत बन रही तेरी, इज्जत ना करवा।
बलराज एक सलाह है कि तेरी सिमेंट में तू तो इसे भेज देने के घरू, मैं इसे भेजू, दोनों घर घने बढ़िया चल जाएंगे, रिश्तेदारी घनी बढ़िया नहीं बचेगी, ये नहीं बनते जी। अजी तुम तो कर रहे हो उल्टी बात, मेरी छोरी के बारे में क्या क्या कही आई नोना, कोई सुन लेगा ऐसी? नमक मान जा, ज्यादा बात को ना बढ़ावे, तू कसर कर रही है अपनी छोरी की बहू की गैल। हाँ सुन बेटी, अब तू मेरी बात मान, तू पाहुने की गैल चली जा और ध्यान लगा के अपनी पढ़ाई कर, अब तुझे कोई भी तंग ना करने का और चौधरन को भी चौधरी देख लेगा, मुझे मेघराज की बात पे पूरा विश्वास है। ठीक है पिताजी। नोक्यू कर ले जगह, यहाँ लिख के देकर जाइए, अकील की बार में दुखी नहीं करूं थारी छोरी को। रह रहन दे रहन दे, तू लिख के दे देगी के अब तुम्हारे छोरे की बहू को दुखी ना करेगी, इन बालकों का घर बस जान दे, इन्हें तो इन्हें दुखी कर रखे, वहां दुखी हो रहे हैं। चौधरी समझाइए तू भी चौधरन को। बलराज बेफिक्र रहो, कैसे ना कुछ कर में गला दबा छिपा, काम ही जब चलेगा। जीजा तुमने अपना भी मामला सेट करवा लिया और मेरा भी करवा दिया है, ऐसे जाड़े में भा।